बुलंदशहर पुलिस को दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि सयाना में पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी, इसी दौरान पुलिस को दो संदिग्ध आते दिखे तो पुलिस ने उनको रुकने का इशारा किया, लेकिन बदमाश भागने लगे। जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई जिसमें दोनों बदमाश घायल हो गए। वहीं घायल बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए दोनों बदमाशों पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित था। थाना पुलिस कल रात में अपने संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, उनको रोकने का प्रयास किया गया तो वो भागने लगे और पुलिस पर फायर कर दिया। काउंटर फायरिंग में पुलिस द्वारा वो घायल हो गए, उनके पैर में गोली लगी है, इन्हें अस्पताल भेजा गया है और उनका इलाज कराया जा रहा है। जब उनसे पूछताछ की गई पता लगा कि वह 20,000 रुपये के इनामी हैं जो खुर्जा नगर में गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित थे। यह एक बहुत बड़ी अच्छी बहुत अच्छी और बहुत बड़ी सफलता सयाना पुलिस की है।